जय जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, मैं पंडित आशीष शर्मा, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो इसी के साथ आज की इस विशेष चर्चा को शुरू करते हैं। तो मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका होने का कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का इनमें विश्वास है। ऐसी चीज़ें जिनको कभी किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन बातों का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और ऐसी बातों को आपने सुना भी होगा। तो मित्रों, इनमें से एक है यमराज का यमलोक, जिसे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यमलोक नाम दिया गया है। और आज आपको यमराज के इस लोक के बारे में गरुड़ पुराण में लिखी बातों को बताऊंगा। और गरुड़ पुराण में सब कुछ सत्य लिखा हुआ है। तो आज की यह जानकारी गरुड़ पुराण के अनुसार आधारित है। और आपको वही बताऊंगा जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। अब बाकी आप पर निर्भर करता है कि गरुड़ पुराण में लिखी बातों पर आप कितना विश्वास करते हैं या बिल्कुल विश्वास नहीं करते। तो अब जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसा है यमराज का यमलोक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाएं। तो मित्रों, पक्षीराज गरुड़ जब विष्णु भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, इस यमलोक का क्षेत्र कितना है, इसके बारे में मुझे बताइए, उसके मार्गों के बारे में बताइए और किन पापों को करके या किन पापों को करने से, किस अच्छे कर्म के प्रभाव से मानव जाति यमलोक को जाती है। तो पक्षीराज गरुड़ का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, इस यमलोक के क्षेत्र 86,000 योजन लंबा है और योजन दूरी को मापने की एक प्राचीन विधि होती है। और एक योजन में 12 किलोमीटर का क्षेत्र होता है, तो 86,000 को 12 से गुणा करके आप स्वयं समझ लें कि इस क्षेत्र को ये कितना बड़ा है। और फिर यमलोक के मार्ग की बात करें तो यमलोक का मार्ग है वह मनुष्य लोक के बीच में से ही होकर के गुजरता है। और गरुड़ को समझाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि यमलोक का यह रास्ता पिघले हुए तांबे और जलते हुए लोहे की भांति होता है, जिसे देख कर के आत्मा कांप जाती है। और यमलोक के इस मार्ग में कई प्रकार के कांटे लगे हुए हैं और उस मार्ग की भूमि अग्नि के समान दहकती है। इस मार्ग में ना तो किसी वृक्ष की छाया है और ना जल है। और पाप कर्म करने वाले आत्मा यमलोक के इस मार्ग पर दया की भीख मांगती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति जितने पाप कर्म करता है, उस पापी आत्मा को इसी मार्ग पर उतनी ही कठिनाई यातना का सामना करना पड़ता है। जितने उसने पाप कर्म किए थे, वही दूसरी ओर वह लोग जो इस संसार के प्रति किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं रखते, उन आत्माओं के लिए यह मार्ग दुखदायी नहीं होता, भयानक नहीं होता। ऐसी आत्मा सुखपूर्वक इस मार्ग से गुजर जाते हैं। पुण्य आत्माएं पृथ्वी लोक पर जिन जिन वस्तुओं का दान करती हैं, उन्हें इस मार्ग में वही वस्तुएं मिलती भी हैं। और ऐसी पुण्य आत्माओं का यमलोक में स्वयं अप्सराएं और गंधर्व स्वागत करते हैं। और यमलोक की रचना विश्वकर्मा ने की है, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया है। विश्वकर्मा की अद्भुत तपस्या से यह यमलोक बना है। और फिर भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यमलोक की दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में यमपुरी है और यमराज की यह यमपुरी
बहुत मजबूत और अभेद है, यानी इसको कोई भेद नहीं सकता। और इस यमपुरी में यमराज की अनुमति के बिना प्रवेश कर पाना असंभव है। देवता असुर भी आज्ञा लेकर ही प्रवेश कर सकते हैं। यमपुरी चौकोर है और इसमें प्रवेश करने के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। 1000 योजन में स्थित यमपुरी रत्नों से सजी हुई है। इस यमपुरी में यमराज के अलावा उनके दूतों के भी भवन हैं और यमपुरी के बीचों बीच 25 योजन लंबा और चौड़ा चित्रगुप्त का आलिशान भवन है और इस भवन में वाद्य यंत्र बजते रहते हैं और चित्रगुप्त सभी आत्माओं का पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार करते हैं। चित्रगुप्त के महल की पूर्व दिशा में ज्वर यानी बुखार का भवन है और दक्षिण दिशा में गलतियों का भवन है। पश्चिम दिशा में अपज अराची वास करती है और उत्तर दिशा में अन्य रोग जैसे बेहोशी आदि बसे हुए हैं। गरुड़ पुराण ने बताया है कि बीमारियां भी एक प्रकार की योनि है जो कि ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती हैं। ईश्वर के आदेश से ही मनुष्य बीमार होता है। उसके बाद भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को कहते हैं कि यमपुरी में धर्मराज का भवन सोने की तरह चमकदार है। 500 योजन में बने 1000 खंभे वाले इस भवन को सैकड़ों पताकाओं से सजाया गया है और इसमें सैकड़ों घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। यमराज के भवन के साथ साथ गरुड़ पुराण में यमराज की सभा और उनके सिंहासन का वर्णन भी किया गया है जिसे भगवान विष्णु यमराज का मंदिर कहते हैं। और यमराज की इस नगरी में सिर्फ पवित्र शब्द ही बोले जाते हैं। तो मित्रों, आज आपको गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक, यमपुरी और आत्मा के यमपुरी में जाने की जानकारी को मैंने आपको बतलाया है, उसकी जानकारी दी है। तो मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, अपने मित्रों से शेयर करें और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे।